हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज मैं रिव्यू करूंगा टॉप लोन ऐप का। टॉप लोन ऐप एक इंस्टेंट लोन ऐप है और यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर पे दिख जाएगा। जब आप लोन से रिलेटेड सर्च मारेंगे ऊपर ही आ जाता है, तो इजीली आप इसको देख सकते हैं। तो इसका कहना है कि ये आपको 5,000 से 2 लाख तक का लोन दे देगा और मैक्सिमम APR ये बता रहा है 18.25%, 0.05% पर डे के हिसाब से ये APR चार्ज करता है। और जो लोन रिपेमेंट पीरियड है काफ़ी अच्छा बता रहा है, 365 days का ये बता रहा है। और ये फीस जो चार्ज करते हैं वो 1% आपके लोन अमाउंट का चार्ज करेंगे और GST भी ये चार्ज करते हैं उसके साथ। तो ये सब इनका कहना है कि इतना इतना तक आपको लोन मिल जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे लोन लेने की कोशिश करेंगे तो लोन लेने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी डिटेल्स भरनी पड़ेगी, अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस और जो इमरजेंसी नंबर है वो भी आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। और ये सब भरने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक कार्ड, तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। उसके बाद आप जब अप्लाई कर देते हैं रिव्यू के लिए, तो आपके साथ ये होता है कि ये आपको लोन देंगे या नहीं देंगे। ज़्यादातर आपके साथ यही हो रहा है कि आपको लोन नहीं मिल रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप कस्टमर रिव्यूज जाकर दे सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूं। देखिए ये लोगों का कहना है, यहां पे आपकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली जाती है और नहीं मिल रहा है। जबकि ये जो ऐप है आप देखेंगे, इसका जो NBFC है एस मनी इंडिया लिमिटेड, वो एक RBI रजिस्टर्ड है, जिसको मैंने चेक किया, ये RBI रजिस्टर्ड है। और ये RBI रजिस्टर्ड NBFC होने के बावजूद देखिए ये लोग आपको लोन नहीं देते। और अगर आपको लोन मिल जाएगा तो ये आपको 7 दिन वाला लोन देंगे, उससे ज़्यादा आपको लोन नहीं देंगे। और उस पर ये यही करेंगे, हाई इंटरेस्ट लगाएंगे और आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको पे करना। और अगर आप नहीं रिपे कर पाते हैं तो ये आपके ऊपर दबाव बनाएंगे और आपको डराएंगे, धमकाएंगे, ये सब करेंगे। तो इसीलिए ये सब परमिशन लेते हैं, इसीलिए ये सब इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसीलिए ये सब चीज़ लेते हैं, ताकि ये आपके ऊपर दबाव बना सकें। अगर आप ना रिपे करें तो आपका डेटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों ये जो ऐप है ये सही से लोन नहीं दे रहा है और इसका लगता नहीं है कि ये ज़्यादा दिन तक टिक पाएगा। इसके आप रेटिंग भी देखिए किस तरीके से गिर रही है और आने वाले समय में और गिर जाएगी। तो जैसे ही रेटिंग गिरी तो ये ऐप इस गूगल प्ले स्टोर से गायब हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको सजेस्ट नहीं करता कि आप यहाँ पे लोन लें, क्योंकि जो लोन देने वाला ऐप होता है वो अच्छा खासा लोन रिपेमेंट पीरियड देता है, लोन भी अच्छा खासा अमाउंट का देता है, 7 दिन वाला नहीं देता। तो जो भी 7 दिन वाला लोन देता है वो एक सस्पिशियस लोन ऐप होता है। तो दोस्तों इस ऐप से दूर रहें। और अगर आपने यहाँ पे लोन लिया और आपको लोन नहीं मिला, आपका डेटा खतरे में है, तो आप आधार कार्ड लॉक करा दें और मेरी पिछली वीडियोज़ देखिए, जो कि मैंने सब कुछ बताया रखा है कि क्या करना है आपको ऐसे केस में। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादातर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों तक पहुंचे, लोगों को जानकारी हो सके कि ऐप सही नहीं है लोन लेने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट्स आगे आपको मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।